देखिए महादेव जी के मंदिर पे जबरदस्त प्रसादी कार्यक्रम रखा है, प्रभु प्रसाद का कार्यक्रम चल रहा है महादेव जी के, और हमारे साथ में मोहनलाल जी। मोहनलाल जी कैसा लग रहा है, और सभी आज कॉलोनी वासी मिले हो आपस में? सभी मिले हैं और MLA साहब आए हैं, उनका स्वागत किया गया है। क्या बात है, इतने बढ़िया अवसर पे देखो, इतने बढ़िया भगवान भोलेनाथ के यहाँ प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है और सब लोग आनंद ले रहे हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है और सभी लोग खुशी खुशी से रह रहे हैं। क्या बात है। तो देखिए आज विधायक साहब पधारे हैं और उन्होंने अपनी जो क्षेत्र की समस्या थी वो भी रखी है, और अब भोजन करते हुए भक्त तो देखिए आप लड्डू की प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा है। ओहो क्या बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव क्या चल रहा है? बस प्रसादी चल रही है। क्या बात, कार्यक्रम होने के बाद। जी हाँ ठीक है, थोड़ा आश्वासन मिल गया है MLA साहब के तरफ, अगर पट्टा वट्टा मिल जाएगा, भिला नाम जमीन है, बीस सालों में रह रहा है, बढ़िया है। तो आज क्या कार्यक्रम था और क्या किया आज? बस इसीलिए बुलाया उनको, हमारे घर बार छोड़ दिए ना, आप हमारे MLA साहब हो यहाँ, तो हमें कुछ आश्वासन दे के जाओ, हमें पट्टे दिलाने की कोशिश करो। तो आज प्रसादी कार्यक्रम रखा था, इसी दौरान मुख्य अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्र के विधायक साहब पधारे, और विधायक साहब ने आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। कैसा लगा विधायक साहब आज आपके द्वारा आए? बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। और कार्यक्रम कैसे चल रहा है? कार्यक्रम तो प्रसादी का चल रहा है, सब लोग खुश है, चल रहा है आनंदमय। आनंदमय चल रहा है, प्रभु के जाप कर रहे हैं और काम चल रहा है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे आदरणीय भाई साहब धनराण जी जोशी जी पधारे हैं यहाँ, उनको यहाँ देख के बहुत खुश मन खुश हुआ। हमारे यहाँ महादेव जी की प्रसादी का आयोजन रखा गया था, उसमें विशेष तौर से धर्मनारायण जी भाई साहब को बुलाया गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो जिन्होंने भी मकान गिराए हैं उनको साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्दी से जल्दी पट्टे दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। क्या बात है, क्या बात, धन्यवाद, बहुत खुशखबरी है।